तो चलिए सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स आ रही है पाकिस्तान से, उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कल काफी कुछ हंगामा देखने को मिला सड़कों पर, जहां पर इमरान खान के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर गए, काफी नारेबाजी हुई, इनफैक्ट क्लैशेस भी हुए पुलिस के साथ। और ये जो प्रोटेस्ट थे वो कल देर रात तक चले थे इस्लामाबाद में, जहां पे पुलिस जो है इमरान खान के जो रेजिडेंस है वहां पर भी पहुंची। पर सवाल अभी तक ये है कि क्या इमरान खान को आज हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। अगर पिछले शाम की बात करें तो काफी जो हंगामेदार जो प्रदर्शन है वो किया गया, काफी जगहों पर ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे उन्होंने स्ट्रीट्स पर सामने आकर जो है प्रदर्शन किया, पुलिस के साथ क्लैशेस भी हुए। और उसके बाद इमरान खान ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने ये बोला कि वो दिमागी तौर पर अपने अरेस्ट को लेकर तैयार थे। उन्होंने ये भी बोला कि ये एक साजिश है नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान में लाने के लिए, इसलिए उन पर ऐसे कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर ये सारे प्रोटेस्ट की भी बात करें तो पुलिस ने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और वहीं पर इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने पुलिस पर जो है पथराव किया, जिसके चलते कुछ पीटीआई वर्कर्स को जो है हिरासत में भी लिया गया। कुछ जो पाकिस्तान की जो पुलिस है जो उस समय मौजूद थे वो भी इस पूरे हंगामे में जख्मी हो गए। तो सबसे पहले कुछ हमारे पास रिएक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान से इस पूरे मामले को लेकर, ये सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबद हो या कनस्ताई, मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है, आपने ये साबित करना है कि जिंदा कौम है, ये मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए आपने जदोजहद करनी और निकलना बाहर। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूं, मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं या मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जदोजहद करेगी, और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। तो देखिए इमरान खान का जो कहना है कि अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो भी जो उनके सपोर्टर्स हैं वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे। तो अगर पीटीआई की बात करें तो और भी कुछ जो लीडर्स हैं उस पार्टी के, उनका ये कहना है कि ये शहबाज शरीफ की जो सरकार है उनकी एक साजिश है इमरान खान को टारगेट करने के लिए। सुनिए जरा। मुझे समझाए ना, मुझे कानूनी तौर पर कायल कर दें कि एक शख्सियत जिसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, उस प्रोटेक्टिव बेल के बावजूद क्या क्यामत टूट पड़ी कि उन्होंने आज ही गिरफ्तार करना है। समझा दे ना, अगर उनकी बात में कोई वजन हुआ तो मैं समझूंगा और चेयरमैन से बात करूंगा। तशद्दुद बंद करें, लाठीचार्ज बंद करें, आंसू गैस का और केमिकल वाली आंसू गैस का इस्तेमाल बंद करें, वाटर कैनन्स बंद करें। उनका एजेंडा क्या है? क्या वो यहां लाशें गिराने आए हैं? क्या उसकी आड़ में इलेक्शंस को मुलतवी करवाना चाहते हैं? बाकी मिनिस्टर्स हैं, इनके साथ हैं, टोला है, वो सारे घबराए हुए। ये 13 जमातें हैं वो एक साइड पे हैं और इमरान खान एक साइड पे हैं। तो आपको पता है कि जब इतनी जमातें जो कल एक दूसरे को गालियां देते थे आज एक दूसरे के साथ मिल गए, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो इमरान खान से इस टाइम पे घबराए हुए हैं। पूरी कौम उनके साथ है, इस वजह से वो घबराए हुए हैं। अदरवाइज तो एक बंदे को मिल के इतनी जमातें कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मुल्क के अंदर सारी जमातें एक इंसान के लिए मिल जाएं। इस टाइम पे सारी जमातें एक बंदे के लिए मिल गई।